नमस्कार, मैं रोज। आज हम एक अजीब से हालात में पहुंच चुके हैं। हर बीतता दिन पहले दिन से बदतर हो रहा है। महामारी आग की तरह एक एक शहर को अपने लपेटे में ले रहा है। सांस लेने के लिए भी अब कईयों को कीमत चुकाना पड़ रहा है। आज इस समय जब आप लोग ये वीडियो सुन रहे हो, इस समय कई लोग नॉर्मल सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं और कईयों ने अपना दम तोड़ भी दिया है। जब कोरोना COVID-19 का नाम हमने पहली बार सुना था, तो हम में से किसी ने नहीं सोचा होगा कि इस नाम को हमें इतना ज़्यादा सुनना पड़ेगा, अब तक और न जाने कब तक सुनना पड़ेगा। इस वातावरण में मौत की दुर्गंध है, एक डर, एक खौफ है। मास्क के पीछे छुपे चेहरों में एक सूनापन है, भीड़ में भी एक अकेलापन है। COVID-19 एक वायरस जो नग्न आंखों से दिखाई भी नहीं देता, उसने कई रिश्तों को बेवस्त्र खड़ा किया, अपने अपनों से अलग हो गए। इस छोटे से वायरस ने हमें ये भी सिखाया कि हम इंसान कितने स्वार्थी हैं। हम खुद से ज़्यादा किसी को भी प्यार नहीं करते। इस वायरस के सामने इंसानियत को नंगा होते हुए भी हमने देखा। कई जगह तो इस वायरस के डर ने इंसान को हैवान तक बना दिया, दोस्तों को दुश्मन और अपनों और परायों में पहचान बता दिया, या फिर मैं यूँ कहूँ कि हम सबको हमारा औकात दिखाया कि हम बस इतने ही हैं। अच्छाई और प्यार तो एक नकाब था, स्वार्थ ही हम में भरा हुआ था। हम बस इतने ही हैं, ना पैसा कमाएगा, ना नाम, ना पावर। सबको इस वायरस के सामने घुटने टेकते देखा है हमने। कैसे हालात है ये, लाशों की तादाद बढ़ती जा रही है, कब्रिस्तान शमशान तक इन लाशों को जगह देने में नाकामयाब होता जा रहा है। कैसी बेबसी है, अपनों को तड़पते देख, मरते देख, कुछ ना कर पाने की बेबसी। पर क्या ये बेबसी सिर्फ हमने ही देखी है? नहीं, ये पर्वत, नदियाँ, ये आकाश, ये धरती गवाह है कि ये महामारी पहली बार तो नहीं आई। बाइबल बताता है कि ऐसे महामारियों को इस दुनिया ने पहले भी देखा है। हमारे लिए नया है, मगर ये आकाश, ये पर्वतों के लिए नया नहीं है। जब जब इंसानों ने इंसानियत छोड़नी शुरू की, परमेश्वर की ओर से अपना मुंह मोड़ा, परमेश्वर ने भी अपनी रक्षा के कवच से उन्हें वंचित कर दिया, उन्हें सजा दी। कितना मुश्किल है ना ये इमेजिन करना कि प्यार और करुणा से भरे परमेश्वर ने अपना गुस्सा किस तरह लोगों पर दर्शाया। मगर परमेश्वर के पनिशमेंट का हमेशा से दो गोल होते हैं, रिपेंटेंस एंड रेस्टोरेशन। दूसरे इतिहास 7:13-14 में परमेश्वर ने कुछ यूं कहा, जब मैं आकाश के झरोके बंद कर दूंगा और इस देश में वर्षा नहीं होगी, अथवा जब मेरे आदेश से टिड्डियां इस देश की फसल चट कर जाएगी, अथवा जब मैं अपने निज लोगों के मध्य महामारियां भेजूंगा, तब यदि मेरे निज लोग, जो मेरे अपने लोग हैं, जिनको मैंने अपना नाम दिया है, स्वयं को विनम्र और दीन बनाएंगे, मुझसे प्रार्थना करेंगे और मेरे मुख का दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे और अपने बुरे आचरण को छोड़ देंगे, तो मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना को सुनूंगा और उनके पाप क्षमा कर दूंगा। मैं उनके देश को रोग मुक्त कर दूंगा। देश को रोग मुक्त करने का कंडीशन है ये, जब परमेश्वर के निज लोग, जिनको उन्होंने अपना नाम दिया है, वो लोग मतलब हम लोग विनम्र और दीन बन प्रभु से प्रार्थना करेंगे और अपने आचरण को बदलेंगे, अपने पापों से मुंह फेरेंगे, तब परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनेंगे। हम इतने सौभाग्यशाली हैं, हमारे पास एक पिता है जो हमें सुनता है। योना 2:2 कहता है, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। इस कठिन समय में परमेश्वर का वचन ही हमारा ढाल है। इस अंधकार के समय में हमारे साथ हमारा पिता है। जैसा भजन संहिता 23:4 कहता है, आए हम भी कहे, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है।
इस पर्टिकुलर समय में जब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो चलिए वचन के साथ कहे, दूसरा इतिहास 20:12, हम नहीं जानते कि इस स्थिति में हमारा क्या करना सही होगा। हाँ, हमारी दृष्टि बस आप पर ही टिकी हुई है। अपने हॉस्पिटल में पड़े हैं, वायरस घर तक पहुंच चुका है, आगे क्या पता नहीं। बस इतना पता है कि हमारी दृष्टि बस अब प्रभु पर ही टिकी हुई है, क्योंकि मत्ती 11:28 में यीशु ने कहा, हे सब थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। डर को अपने ऊपर हावी ना होने दो, क्योंकि यशया 41:10 में परमेश्वर ने कहा, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। इसलिए पहला पत्रस 5:7, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इस समय एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि गलातियों 6:2 कहता है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोविड पेशेंट के पास चले जाओ और उनके गले मिलो, नहीं, मगर हमसे जितनी मदद हो पाए वो हमें करना चाहिए। एटलीस्ट फोन कॉल तो कर सकते हैं, उन्हें धैर्य तो दे सकते हैं, उनके लिए दुआ मांगना हमारा फर्ज है। डिस्पोजेबल बॉक्स में उन लोगों तक खाना पहुंचा सकते हैं, उनके डोर तक तो पहुंचा ही सकते हैं, कोई भी मदद, मगर सरकार के द्वारा दिए जाने वाले रूल्स के अंदर रहकर। इंसानियत का वस्त्र ओढ़े, लोगों को धर्म कास्ट रिलीजन की नज़र से नहीं, इंसानियत की नज़र से देखे। मेरे एक दोस्त ने मुझसे एक अद्भुत सा सवाल पूछा कि क्या वैक्सीनेशन लेना गलत है, क्या ये एंटी क्राइस्ट का मार्क है, क्योंकि ऐसा लोग कह रहे हैं, सिखा रहे हैं। प्लीज, मेरी आप सभी से निवेदन है कि ऐसी बातों पर ध्यान ना दे। कोरोना के अगेंस्ट आए वैक्सीनेशन को ले, मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज करे, हाथ धोए। ऑलमोस्ट साल हो चुके हैं यही बात हम रात दिन सुन रहे हैं, मगर फिर भी ऐसे भी लोग हैं जो अब तक इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। जाने अनजाने में इस वायरस के कैरियर ना बने, शायद ये बीमारी आपको नहीं लगेगा, ऐसा आपको विश्वास है, बहुत अच्छी बात है, अपने विश्वास में स्ट्रांग रहिए, मगर हो सकता है कि आप कारण बने अपनों तक वायरस पहुंचाने का। दोस्तों, साथ में मिलकर जीतते हैं, ये वायरस से भी हम जीत जाएंगे, ये समय भी गुजर ही जाएगा। हिम्मत रखे, परमेश्वर की ओर दृष्टि रखे, वचन में बढ़े, यीशु मसीह से जुड़े रहे और अपना और अपनों का ख्याल रखे, सब ठीक हो जाएगा। यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।